गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टूडे इन मॉरल वैल्यू वी आर स्टडिंग लेसन नंबर 5 गुड कंपनी एंड बैड कंपनी मतलब अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी. वंस टू पैरट लिव्ड इन देयर नेस्ट इन ए बिग बनियान ट्री. एक बार दो तोते कहाँ पे रहते थे, एक बड़ी सी बनियान ट्री के ऊपर अपना घोंसला बना के. दे हैड टू चिक्स, उनके दो चिक्स थे और उनका क्या नाम था, दे नेम देम चिंटू एंड पिंटू, और उन्होंने उनका नाम क्या रखा, चिंटू और पिंटू. दे टुक गुड केयर ऑफ देयर बेबीज, और वह अपने बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल करते थे. एवरी मॉर्निंग, हर सुबह द पेरेंट्स पैरट वुड फ्लाई टू फिच फूड फॉर देयर यंग वंस एंड कम बैक होम बिफोर इवनिंग. वह जो पेरेंट्स तोते थे वो क्या करते थे, उठ के अपने बच्चों के खाने के लिए दाना लेके आते थे और शाम होने से पहले वह वापस आ जाते थे. वन डे, एक दिन, व्हेन द पेरेंट्स वर अवे, वो जो पेरेंट्स थे उनके माता पिता थे वो बाहर गए हुए थे. एक क्रूअल हंटर मतलब एक क्रूर शिकारी वहाँ आया एंड ट्राई टू टेक द चिक्स, और उन्होंने कोशिश की उन चिक्स को उनसे वहाँ से लेके जाने की. Somehow मतलब किसी तरीके से चिंटू मैनेज टू एस्केप. चिंटू ने क्या किया, वहाँ से भाग गया और वहाँ से उड़ के चला गया. ही रीच्ड ए हर्मिटेज एंड स्टार्टेड लिविंग देयर विद ए सैगी. वह कहाँ पहुँचा, एक आश्रम के अंदर, और वह एक साधु के साथ रहने लगा. ही ग्रो अप लिसनिंग टू काइंड एंड कंपनीशियट वर्ड्स, और वह क्या वर्ड्स सुन के बड़ा होता, वो बहुत ही दयालु जो शब्द थे उनको सुन के बड़ा होने लगा. पिंटू लिव्ड विद द हंट, और पिंटू किसके साथ रहता था, उस शिकारी के साथ एंड हिज फैमिली, और उसके परिवार के साथ. दे पुट हिम इन ए केज, और वो किसके अंदर रहता था, एक केज के अंदर, एक पिंजरे के अंदर. ही ऑल्सो लर्न ए फ्यू वर्ड्स एंड प्रेजेस, वह भी कुछ वर्ड्स सीखा उन्होंने और उसका मतलब. बट दीज वर्ड्स वर नॉट काइंड एंड पोलाइट, लेकिन वो वर्ड्स क्या थे, बिल्कुल भी दयालु और बिल्कुल भी पोलाइट नहीं थे. द हंटर्स एंड हिज फैमिली वर अनसिविलाइज्ड, जो उस हंटर जो शिकारी थी और उसकी जो फैमिली थी वो कैसी थी, असभ्य. अनसिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है, असभ्य. दे डिड नॉट केयर मच अबाउट देयर लैंग्वेज, वह अपनी भाषा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे. वन डे ए ट्रेवलर वॉज टॉकिंग रेस्ट आउटसाइड द हंटर हट, सीइंग समवन आउटसाइड. पिंटू स्टार्टेड यलिंग, फूल वाई आर यू हेयर स्टूपिड, लीव दिस प्लेट एट वंस एल्स आई विल कट योर थ्रॉट. द ट्रेवलर गॉट स्केयर्ड एंड वेंट अवे. एक दिन एक ट्रेवलर रेस्ट करने के लिए पिंटू के झोपड़ी के बाहर रुका. सीइंग समवन आउटसाइड, और किसी को बाहर देख के पिंटू जोर से चिल्लाने लगा, फूल मूर्ख तुम यहाँ क्या कर रहे हो, स्टूपिड यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा जो थ्रॉट मतलब जो गला है उसको कट कर दूंगा. वो जो ट्रैवलर था, जो यात्री था, वो डर गया और वहां से चला गया. ड्यूरिंग हिज जर्नी, और उसकी जर्नी के अंदर ही रीच द हर्मिटेज, और वह कहाँ पहुंचा, उस आश्रम के अंदर वेयर चिंटू वाज लिविंग, जहां कौन रहता था, चिंटू. द पैरट एट द हर्मिटेज स्पॉक, वेलकम ड्रियल ट्रैवलर, जो पैरट था वो क्या करता था, वो जहाज कोई भी आता था तो वो बोलता था वेलकम टू योर ट्रैवलर, कि स्वागत है आपका प्रिय यात्री, यू आर फ्री टू स्टे, और आप यहाँ पे फ्री हो रुकने के लिए. हियर हैज लॉन्ग हैज यू लाइक, और जब तक आप यहाँ पे रुकना चाहो आप रुक सकते हो. टेल मी व्हाट यू नीड, आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, आई विल हेल्प, मैं आपकी मदद करूँगा. द ट्रेवलर वॉज सरप्राइज, जो यात्री था वह बहुत ही आश्चर्यजनक हुआ. ही आस्क्ड द पैरट, उसने उस पैरट से पूछा, आई एनकाउंटर ए सिमिलर पैरट इन द जंगल, ही वॉज रूड एंड अनकाइंड. मैं आश्चर्य हूँ, और उसने पैरट से पूछा कि मैं सेम इसी जंगल से अभी आया और वहाँ पे भी एक बहुत ही ज़्यादा, मैंने एक तोते को देखा और वह क्या बहुत ही ज़्यादा रूड था, बदतमीज़ था और अनकाइंड मतलब बहुत ही ज़्यादा दयालु था. हाउ कम यू आर सो काइंड, और तुम इतने दयालु कैसे हो, चिंटू रिप्लाई. चिंटू ने जवाब दिया, दैट मस्ट बी माई ब्रदर, हो सकता है कि वह मेरा भाई हो. I live with a sage,
मैं किसके साथ रहता हूँ, एक साधु के साथ, एंड माई ब्रदर लिव विद ए हंटर, और मेरा भाई किसके साथ रहता है, एक शिकारी के साथ। आई स्पीक ए सेज लैंग्वेज, मैंने एक साधु की भाषा सीखी, एंड माई ब्रदर स्पीक, और मेरा जो भाई है वो क्या बोलता है, एक शिकारी की भाषा। आफ्टर लिसनिंग टू दिस द ट्रेवलर थॉट, यह सब सुनने के बाद में उस यात्री ने सोचा, इट इज अवर कंपनी, यह क्या है, अपनी कंपनी है, दैट डिसाइड हु वी विल बिकम, जो अपन को क्या बताती है कि अपन कहाँ से बिलोंग करते हैं। इट इज़ द कंपनी दैट शेप अवर वर्ड्स एंड डिड्स, यह एक कंपनी होती है जो क्या करती है, अपने वर्ड्स को और अपने जो शेप्स होती है उनको डिड्स करती है, जो उनको बताती है। द ट्रेवलर्स वर हैप्पी एज ही लर्न ए न्यू लेसन इन लाइफ, और वह यात्री बहुत खुश हुआ कि उसने क्या किया, अपने जीवन का एक नया लेसन सुना। अब इस कंपनी का मॉरल क्या है बच्चों, मॉरल है गुड कंपनी बिल्ड अप ए गुड करेक्टर, आपकी अच्छी कंपनी हमेशा क्या पढ़ाती है, आपका एक अच्छा चरित्र। तो बच्चों यह था आपका लेसन नंबर 5, गुड कंपनी और बैड कंपनी। अब इसमें आपको होमवर्क क्या करना है, इसमें आपको होमवर्क करने है इसके वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट आपका वर्ड है क्रूअल, क्रूअल का मतलब क्या होता है, क्रूर। सेकंड हर्मिटेज, हर्मिटेज का मतलब होता है आश्रम। सैगी का मतलब होता है साधु। अनसिविलाइज्ड असभ्य, यह जो चार वर्ड मीनिंग्स है ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं, और यही आपका होमवर्क है।